वो स्थान जो बंगाल की खूबसूरती में चार चांद लगा दे, वो है बंगाल का गोवा दीघा। फैमिली के साथ मस्ती करने के लिए दीघा बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है, जो कि सीमित बजट में ही हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, कैसे जाना है, सही बजट में सही प्राइस में बेस्ट होटल कौन सा होगा और भी बहुत कुछ, वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर से भरा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हावड़ा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 20 हावड़ा टू दीघा ताम्रलिप्त एक्सप्रेस 6:45 AM में खुलती है और हम पहुंच जाएंगे 4 घंटे के बेसब्री से इंतजार करने के बाद दीघा। आप देख सकते हैं हम दीघा पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ भीड़ काफ़ी है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं। बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है ये, साथ में फैमिली टूर तो बहुत अच्छा है ये, गर्मी का सीज़न भी है। तो चलते हैं आगे। अब हम यहाँ का स्टेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर स्टेशन है और ये साफ़ सफाई में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब आगे रूम के लिए रवाना होते हैं तो हमें पता चला कि होटल राज पहले से बहुत अच्छा होटल है, आप देख सकते हैं। ये है हमारा सामने होटल राज पैलेस, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, लग्जीरियस है और इसके जस्ट सामने ही खाने का सुविधा भी है, तंगारी का होटल रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमने सब अपने फैमिली के साथ आए थे, सब हम लोग ने खाना खाया, काफ़ी अच्छा खाना था, प्राइस भी सही था। अब होटल के अंदर चलकर आपको रूम दिखाता हूँ। अब देखिएगा काफ़ी अच्छा रूम है, साफ़ सुथरा भी है, सुविधा भी है, एसी लगा हुआ है, मात्र 1500 का है ये रूम। हम लोग 3 लोग इस पे रुके थे, टीवी वगैरह का भी सुविधा है, मतलब रूम काफ़ी अच्छा लगा हमें और एसी तो था ही था, बालकोनी भी दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात कि बालकोनी से जो व्यू आ रहा था दीघा बीच का, काफ़ी सुंदर था। और मैं छत पर भी जाके आपको दिखाऊंगा, आप छत पर जा सकते हैं, अलाउ है, वहाँ से भी काफ़ी सुंदर व्यू होगा, ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा आपको। तो वीडियो को देखते रहिए, कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम हम लोग फिर निकले, इवनिंग टाइम भी आप देख सकते हैं इवनिंग का नज़ारा काफ़ी सुंदर था, बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बने हुए हैं। ये एक तरह से गोवा ही मान लीजिए कम बजट का घूमने का फैमिली टूर के लिए सबसे बेस्ट जगह है। अगर आप कोलकाता के आसपास ही हैं तो यहाँ ज़रूर घूमने आइए, आपको फील गोवा का ज़रूर होगा। ऐसे तो काफ़ी अलग है लेकिन तब भी ये होटल के अंदर का नज़ारा है, ये लिफ्ट वगैरह सब लगा हुआ है, आपको हर तरह का रूम मिल जाएगा। और शाम में मार्केट, काफ़ी अच्छा मार्केट लगता है, तो दीघा जाइएगा तो मार्केटिंग ज़रूर कीजिएगा, सामान भी अच्छे प्राइस में लगभग मिलता है और काफ़ी बड़ा मार्केट है। और साथ में ही यहाँ सी फूड भी बहुत अच्छा मिलता है, अगर आप शौकीन हैं उसके नॉनवेज के तो सी फूड का भी मज़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका मार्केट काफ़ी अच्छा है। अब कल मिलते हैं सुबह में, ये रहा मॉर्निंग का नज़ारा, इसे एंजॉय कीजिए वर्चुअली ही सही, लेकिन मौका मिले तो दीघा जरूर जाइएगा घूमने। और अभी मैं होटल के छत पर हूँ, वहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं, जो भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है बना हुआ वो सारे होटल वगैरह ही हैं, खाने का सुविधा सब बहुत अच्छा है यहाँ पर, और यहीं पर मार्केट भी लगता है, सब मार्केट का ही है। ये दोपहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। यहाँ खास करके आपको वाटर स्पोर्ट्स गेम जरूर मिलेगा, जो कि काफ़ी एडवेंचर से भरा है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा और इसका एंजॉय ज़रूर लीजिएगा। तो
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेरी होगा तो जरूर कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा कि और भी दीघा में कुछ घूमने लायक है या सिर्फ पीछे है, तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।